नमस्कार। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फनी प्रचंड रूप ले चुका है। इसके शुक्रवार दोपहर तक उड़ीसा के तट पर गोपालपुर और चांदवली के बीच से गुजरने की आशंका है। उस समय इसकी अधिकतम रफ्तार 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी, जो 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने उड़ीसा के लिए येलो वार्निंग जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के तटीय इलाकों को खाली करने का सुझाव दिया है। आप एक बार चक्रवात को समझ लें, आखिर इसकी कहानी क्या है। इस कहानी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शकील अहमद के पास। कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहते हैं। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती हैं। आप जान लें आखिर क्यों आता है चक्रवात। गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी की मदद से बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ प्रभावित क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश करती हैं। कभी कभी तो तेज घूमती ये हवाएं हजारों किलोमीटर के दायरे में चलती हैं। आप शायद कुछ हद तक चक्रवात को समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं नाम पड़ने के पीछे क्या है इसका राज या क्या है इसकी तकनीकी। विश्व मौसम संगठन यानी WMO और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी कि ESCAP द्वारा जारी चरणबद्ध प्रक्रियाओं के तहत ही किसी चक्रवात का नामकरण किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मौसम का पूर्वानुमान लगाने वालों ने महिलाओं के नामों का उपयोग करते हुए तूफानों का नामकरण किया। 1953 तक अमेरिकी मौसम सेवा ने नामों की एक सूची वर्णमाला ASW रखी थी, जिसका इस्तेमाल उन तूफानों के लिए किया जाता था जो घटित हो चुके थे। 1970 के दशक के अंत तक इस सूची में पुरुष और महिलाओं के नाम शामिल किए जाने लगे। तूफान और समुद्री तूफान नामकरण की प्रणाली के मुकाबले उष्ण कटबंधी चक्रवातों का नामकरण एक आधुनिक परंपरा है। वर्ष 2004 तक हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थित 8 देशों ने नामकरण सम्मेलन पर सहमति जताई, जो इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उष्ण कटबंधी चक्रवातों की पहचान करने में मदद कर सकता है। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने नामों की एक सूची में योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की, ताकि प्रत्येक नामों का नामकरण हो सके। क्षेत्र में विकसित चक्रवातों को अब इस समूह से क्रमिक रूप से नाम दिया गया है। आपको चक्रवात की श्रेणियां बताते हैं। चक्रवातों को हवा की गति और क्षति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी एक चक्रवात, प्रति घंटे 90 से 125 किलोमीटर के बीच की हवा की गति, घरों और पेड़ों को कुछ ध्यान देने योग्य नुकसान। श्रेणी दो, प्रति घंटे 125 और 164 किलोमीटर के बीच हवा की गति, घरों को नुकसान और फसलों और पेड़ों को अत्यधिक नुकसान। श्रेणी तीन, प्रति घंटे 165 से 224 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हवा की गति, घरों के लिए संरचनात्मक क्षति, फसलों को व्यापक क्षति और ऊंचे पेड़ों, ऊंचे वाहनों और इमारतों का विनाश। श्रेणी चार, प्रति घंटे 225 और 279 किलोमीटर के बीच हवा की गति, बिजली की विफलता और शहरों और गांवों को बहुत नुकसान। श्रेणी पाँच, प्रति घंटे 280 किलोमीटर से अधिक की हवा की गति, व्यापक क्षति। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो पिछले साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने देश के 96 जिलों पर किए गए एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए। इनमें से करीब 72 तटीय जिले हैं, जबकि बाकी तट के करीब में हैं। IMD के मुताबिक देश के 12 जिले चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इन जिलों को अत्यधिक प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सभी 12 पूर्वी तटीय बेल्ट में हैं। इनमें पुदुचेरी, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले, ओडिशा, मेदिनीपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना में केंद्रपाड़ा जिले के बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में यानम जिले शामिल हैं। इसके अलावा 41 जिलों को अत्यधिक प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 30 जिले मामूली प्रवण हैं और शेष 13 कम प्रवण हैं। IMD ने यह भी कहा कि तट के किनारे स्थित सभी 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कमजोर हैं, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में चक्रवात से सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। दुनिया में उष्ण कटबंधीय चक्रवातों का केवल 7% हिस्सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठता है, जो IMD के अनुसार सबसे विनाशकारी और हानिकारक है।
हाल के समय के चक्रवातों पर नजर डालें तो सबसे खराब दो चक्रवात रहे, चक्रवात फैलिन और चक्रवात हुदहुद। ये दोनों ही चक्रवात हाल ही में भारत में जीवन और संपत्ति के लिए भारी क्षति का कारण बने। चक्रवात फैलिन हाल ही के दिनों में देश में उतार चढ़ाव बनाने के लिए सबसे तीव्र और सबसे विनाशकारी चक्रवातों में से एक था। अक्टूबर 2013 में चक्रवात ने भारत को नुकसान पहुंचाया और उड़ीसा के कई गांवों को तबाह कर दिया। इसने दशकों में देश में सबसे बड़े शून्यकरण में से एक को प्रेरित किया। 550,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया और चक्रवात आश्रमों में भेजा गया। चक्रवात के कारण 30 से अधिक लोगों की जाने चली गई थी। अगले साल 2014 में चक्रवात हुदहुद आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम के पास भूमिगत हो गया और तटीय क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचाया। हुदहुद के कारण कुल क्षति 21,908 करोड़ रुपये के आसपास होने का अनुमान था। चक्रवात के कारण 124 लोगों की मौतें दर्ज की गई। नेपाल को भी इस चक्रवात के प्रभाव का सामना करना पड़ा, जिसने देश में हिमस्खलन शुरू कर दिया। इस बार नाम रखने की बारी बांग्लादेश की थी, लिहाजा उसके सूची में प्रस्तावित नाम फनी था। आप चक्रवात की कहानी को समझ रहे थे, आपने चक्रवात को समझा, चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, आपने यह भी समझा कि आखिर चक्रवात चलते कैसे हैं। आपको बता दें कि फनी चक्रवात के मद्देनजर केंद्र ने एडवांस में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 1,086 करोड़ रुपयों की राशि जारी कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि तूफान से बचने के एहतियाती कदम उठाए जा सकें और जरूरत पड़ने पर राहत कार्यों में कोई बाधा ना आए। फनी के भारतीय पूर्वी तट की ओर बढ़ने पर नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज तथा हेलीकॉप्टर, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की राहत टीमों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि सेना और वायुसेना की टुकड़ियों को तैयार कर रखा है। आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति यानी कि NCMC ने मंगलवार को दूसरी बार बैठक की और चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों की तैयारी की समीक्षा की। NDRF ने आंध्र प्रदेश में 41 टीमें, उड़ीसा में 28 और पश्चिम बंगाल में 5 टीमें तैनात की हैं। IMD ने चेतावनी दी, चक्रवात से तटीय इलाकों में भारी बर्बादी हो सकती है। तूफान की वजह से घरों के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाएँ भी खत्म होने की आशंका है। घरों, संचार के साधन, बिजली नेटवर्क, रेल और सड़क को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। तटीय इलाकों में नारियल और ताड़ के पेड़ों को भी काफ़ी नुकसान होगा। फसल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा जहाजों और बड़ी नौकाओं की लंगर टूटने की भी संभावना है। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के दोनों तंत्र, राज्य और केंद्र, अभी से तत्पर हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। नमस्कार।